हिमाचल प्रदेश में पशुओं को खुले में छोड़ने से अभी भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि पशुओं को खुले में छोड़ने के लिए सजा के साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान है, परंतु उसके बाद भी कुछ लोग आज भी पालतू पशुओं को खुले में छोड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कोटली तहसील की ऊपरली सुराड़ी पंचायत में देखने को मिला, जहाँ कड़ाके की ठंड में दो पालतू बैलों को खुले में भटकने के लिए छोड़ दिया गया। सामाजिक संस्था ओपन डोर फॉर ह्यूमैनिटी के सदस्य नारायण दास ने बेसहारा छोड़े गए पशुओं के लिए चारा उपलब्ध करवा दिया है। उन्होंने प्रदेश की जयराम सरकार से मांग की है कि गौवंश के संरक्षण को लेकर जयराम सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि गौवंश बेसहारा सड़कों पर ना घूमें। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से बेसहारा पशुओं की तादाद बढ़ती जा रही है, वह चिंता का विषय है, इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। सर्दियाँ बहुत बढ़ गई है, आवारा पशु बहुत देखने को मिल रहे हैं, और जो है इन लोगों को इतना देखना चाहिए कि बैलों को छोड़ रहे हैं, गायों को छोड़ रहे हैं, और इतने साल बैलों से खेती करते थे और काफ़ी दिनों के बाद छोड़ देते थे, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले हमारे को देखने को मिलता था कि शहर में छोड़ते थे, आजकल गांव में छोड़ देते हैं, गाय को छोड़ देते हैं, बैलों को छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों को थोड़ा सा देखना चाहिए, और जो है मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि इन आवारा पशुओं के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाएं, और जो है लोगों को भी जागरूक होना चाहिए कि गांव में नहीं छोड़ना चाहिए, या तो पशुपालन विभाग जो होता है इनकी देखभाल करता है, उनके पास छोड़ दिया जाए। तो इतना मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ।